हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेस्टी फूड विद थमन के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से सांभर बना सकते हो। यहां पे बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से सांभर तैयार किया जाता है। ये सांभर आप खा के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से आप टेस्टी तरीके का सांभर तैयार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले एकदम सिंपल और ईजी तरीके से सांभर, तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने तूर की दाल ली है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसमें पानी ऐड करना है और इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेनी है आपको। फिर इसे एक मैंने बड़े पतीले में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें हम डालेंगे ड्रम स्टिक ढेर सारी, 3 रफली कटके हुए टमाटर डालेंगे, 2 रफली कटके हुए प्याज, 2 रफली कटके हुए आलू, ये बॉइल नहीं है, कच्चे आलू हैं, ढेर सारे कड़ी पत्ता डालेंगे, सांभर मसाला 3 बड़े चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर 3 बड़े चम्मच, स्वाद अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए, मैंने 3 चम्मच लिए हैं, इमली का पेस्ट डालेंगे, ये भी आपको स्वाद अनुसार लेना है, 1/4 चम्मच हींग लेंगे, पानी ऐड करना है और इसे पकाना है जब तक कि आपकी सब्जियां ना पक जाएं। फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे, गरम तेल में कुछ राई के दाने डालेंगे, ढेर सारे इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च और इसे सांभर में तड़का लगा लेना है। तैयार है हमारे ढाबे जैसे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप सांभर बना सकते हो। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सांभर घर पे बना सकते हो और अपने परिवार वालों को खिला सकते हो और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली ऐसी टेस्टी टेस्टी फूड की रेसिपी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।